हमीरपुर के तहत पड़ते छबोट गांव में शनिवार रविवार की मध्य रात्रि करीब 2:30 बजे एक घर पर फायर होने का मामला सामने आया है। घर के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक छबोट गांव के अश्वनी कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि रात को जब उनका पूरा परिवार सोया हुआ था तो उनके घर के पास बड़ी जोर से धमाके की आवाज हुई। जब घर के लोग जागे और बाहर जाकर देखा तो पाया कि घर की दीवार पर गोली के निशान थे। हालांकि रात के अंधेरे में उन्हें पता नहीं लग पाया कि गोली किसने चलाई। उधर पुलिस ने अश्वनी कुमार की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि आजकल सर्दी के मौसम में जंगली जानवर पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में आ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए निकलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी शिकारी ने किसी जानवर पर गोली चलाई हो और निशाना चूककर घर पर लग गया हो। हालांकि शिकार करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो प्रातः पुलिस की सूचना मिली थी कि छबोट में एक अश्विनी कुमार व्यक्ति है, उन्होंने सूचित किया था पुलिस को कि उनके घर की जो किचन है उसकी विंडो जो है टूटी है, उसमें बताया और उनको लगा कि यहाँ बुलेट के फायर हुआ है जिसकी वजह से टूटना पाया गया है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो है इसमें अन्वेषण जारी कर दिया है और उन कारणों का पता लगाया जा रहा है कि फायर हुआ है और क्या इसका कारण है।